गुड मॉर्निंग ट्रेनीज, आर टुडे टॉपिक इज प्रमोशन। आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है प्रमोशन का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि प्रमोशन किसे कहते हैं, प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और प्रमोशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक एक करके सभी तीनों चीजों को हम समझेंगे। फर्स्ट इज डेफिनेशन। So according to Philip Kotler, promotion includes all the activities the company undertakes to communicate and promote its products to the target market. इसका मतलब जब कोई कंपनी अपनी कोई भी एक्टिविटी करे जिससे वो लोगों को कम्युनिकेट कर रही है और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है टारगेट मार्केट में। आओ कुछ और डेफिनेशंस के थ्रू ये समझते हैं। प्रमोशन क्या है? किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशन है जिसका प्रयोग करके हम इन्फॉर्म कर रहे हैं या परसुएड कर रहे हैं, मींस कन्विंस कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या अपने सर्विस के बेनिफिट्स, अपने ब्रांड के बारे में बताने के लिए, या वो जो चीज कम्युनिकेट, जो इशू को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एम ऑफ प्रमोशन क्या होता है? अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, सेल्स को जनरेट करना या ब्रांड लॉयल्टी बनाना। ये सारे तरीके, ये सारे एम होते हैं प्रमोशन के। हम पहले भी अपने पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो 4 P's में जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन भी आता है। सो प्रमोशन इज वन ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब समझते हैं दोबारा से कि प्रोडक्ट प्रमोशन में क्या क्या आता है या प्रोडक्ट प्रमोशन क्या करता है। इट एक्सप्लेन्स द फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये फीचर्स और बेनिफिट्स बताते हैं स्पेशली इन रिलेशन टू द कंपटीटर कि हाँ हमारा प्रोडक्ट के फीचर्स या बेनिफिट क्या हैं एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स। इट टेल्स आउट वेयर द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। प्रोडक्ट प्रमोशन ये भी बताता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे सोल्ड हो रहा है। प्रोडक्ट प्रमोशन एडवर्टाइज करता है प्रोडक्ट्स की, सेल्स की। प्रोडक्ट प्रमोशन आंसर करता है कस्टमर के क्वेरीज की। प्रोडक्ट प्रमोशन इंक्लूड करता है नया प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। अब ज्यादातर क्या होता है कि प्रमोशन को एक लिटरल मीनिंग में ये समझा जाता है कि एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज द पार्ट ऑफ प्रमोशन, बट प्रमोशन इज बिगर देन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं टीवी, रेडियो में कहीं पे, बट प्रमोशन वो सभी तरीके की एक्टिविटी है। मैं पहले ही बताया था वो सभी तरीके की एक्टिविटी है जिससे हम अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं टारगेट मार्केट के लिए। अब चलिए करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स एंड अदर्स। अपने प्रोडक्ट, सर्विस या वो कहाँ पे सेल हो रहा है, उसके प्राइसिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम सेल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कस्टमर को या किसी और को, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड इंक्रीज करना और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करना कि हम क्या एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हैं जो कंपेटिटर नहीं कर रहा। नाउ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या करती है? पहली चीज, वो ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज करती है। सेकंड, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब वो ये भी प्रोवाइड करती है कि प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रहा है, कब सेल हो रहा है, क्या उसमें फीचर्स हैं। ओके, देन इज इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक। कस्टमर ट्रैफिक का मतलब कस्टमर्स को ज्यादा सेलिंग पॉइंट तक लेके आना सो दैट कि दे बाय द प्रोडक्ट इज द रोल ऑफ प्रमोशन।
यही उसकी इंपॉर्टेंस है। बिल्ड सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल ज्यादा करना, अगर सेल ज्यादा होगी ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा होगा। फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर से डायरेक्टली नहीं खरीद सकता, सो ये वो सारे फिल करता है गैप्स को, सो दैट कि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद सके जो प्रोड्यूसर ने बनाया। एंड लास्ट इज फेसिंग इंटेंस कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को भी मात देने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए हमें प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रमोशन। आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ क्या प्रमोशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आगे वाले वीडियोस में हम और समझेंगे प्रोडक्ट प्रमोशंस के बारे में, सर्विस प्रमोशन के बारे में, कैसे प्रमोशन आगे करते हैं हम और। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। एज यूजुअल इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली टच विद मी। थैंक यू।